कुछ इसी तरह पल पल रंग बदलता रहा चांद। ये देश में साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की अद्भुत तस्वीर है। 149 साल बाद गुरु पूर्णिमा के मौके पर यह अद्भुत संयोग आया था। दिल्ली से वाराणसी, हरिद्वार से प्रयागराज और भुवनेश्वर से आजमगढ़ तक आसमान में चांद कुछ ऐसा नजर आया, अधूरा अधूरा सा। पूर्णिमा पर खूबसूरत से दिखने वाले चांद का कोना बिल्कुल काला नजर आ रहा था। चांद पर धरती की छाया साफ नजर आ रही थी। भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात 1:31 पर हुई। हमारे संवाददाता इस अद्भुत संयोग का गवाह बनने के लिए दिल्ली में नेहरू तारामंडल, हरिद्वार में हर की पैड़ी और प्रयागराज के संगम तट पर मौजूद थे। एक तरफ विज्ञान का नजरिया तो दूसरी तरफ हिंदू मान्यताओं और आस्था की खोज। अद्भुत खगोलीय घटना को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। दिल्ली के नेहरू तारामंडल में लोगों की मौजूदगी बता रही थी कि वो चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक पहलुओं को जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। बादलों के बीच में जैसे जैसे जगह बनती है और तुरंत जब बादल यहाँ पर मैंने अभी मतलब चांद जो है बिल्कुल साफ था, घने बादलों के बीच से चूंकि हवा भी चल रही है तो जाहिर है बादल मूव कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने फिर वो तस्वीर यहाँ पर कोशिश की कि हम उसे अपने कैमरे में भी कैप्चर कर पाए। चांद एकदम साफ दिखाई पड़ रहा था और कहते हैं कि जब चंद्रग्रहण चूंकि जो एक दिशा होती है उसकी ब्राइटनेस जब एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ती है। दिल्ली के लोगों को थोड़ी निराशा भी हुई, आसमान में बादल की वजह से वो इस अद्भुत संयोग को ठीक से देख नहीं पाए। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ चांद पर ग्रहण की छाया साफ देखी जा रही है, लेकिन थोड़ी देर में ही बादलों ने चांद को नजरों से ओझल कर दिया। रात 1:31 पर भारत में चंद्र ग्रहण की शुरुआत हुई। सुबह 3 बजे तक ये चरम पर था और 4:30 पर खूबसूरत सा चांद धरती की छाया से आजाद हो गया। हम देख सकते हैं इस ग्रहण को और खुली आंखों से देख सकते हैं चित्रा, और हरिद्वार में साफ तौर पर चूंकि अंदेशा था कि बादल ना छा जाए क्योंकि हम जैसे ही हरिद्वार पहुंचे यहां पर बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन बादल फिलहाल छटे हुए हैं और हम खुली आंखों से इस चंद्र ग्रहण को हरिद्वार में देख सकते हैं। इस अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह पूरी दुनिया बनी। दुनिया के 3 शहरों की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, दुबई, पर्थ और जकार्ता। ये चंद्र ग्रहण एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के अधिकतर हिस्सों में दिखा। लेकिन अगर आप इसका दीदार नहीं कर पाए तो निराश ना हो, साल 2021 में फिर चंद्र ग्रहण देखने का मौका आपको मिल सकता है।